क्योंकि सामने वाले अगर जलन होगी ना तो वो हालत ये करके जाते हैं। देखिए, सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज कीड़े में आप सभी का स्वागत है। आज कीड़े अंदर बाइक के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे मिली हार्ले टाइप इंडिकेटर्स। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बोली थी जब मैंने टाइल डीडी लगाई थी सुपर बाइक की, यूनिवर्सल थी, जो मैंने बोला था अभी मैं इसके अंदर इंडिकेटर लगाने वाला हूँ जो मिनी हार्ले टाइप के इंडिकेटर्स हैं। तो आप लोगों ने बोला था हाँ भाई यार इसकी वीडियो थोड़ी जल्दी बनाओ, तो मैं अभी तो फिलहाल कोई और वीडियो बनाने वाला, फिर मैंने सोचा चलो पहले इस वीडियो कंप्लीट करते हैं। सो कुछ इस तरह का पैकेट मिलेगा और इस एक पैकेट के अंदर अपने दो पीस मिलेंगे और इंडिकेटर अपने कुछ इस तरह का मिलेगा। ये देखिए फ्रंट से कुछ ऐसा होगा पूरी और ब्लैक मैट के अंदर ये इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं और एम्बर कलर का इसका जो इंडिकेशन होगा और कुछ इस तरह का अपने लगेगा बाइक के ऊपर। आप देख सकते हैं लुकिंग काफ़ी अच्छी, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। अगर आपको चाहिए तो इसको इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में रहेगा और आप कूपन कोड यूज़ करेंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको उसको 10% ऑफ मिलेगा। इंडिकेटर को इंस्टॉल करने के लिए अपने को दो की चाहिए, एक 17 mm की चाहिए, एक 10 mm की चाहिए। 10 mm की से अपने को क्या करना है, पूरी सीट को ओपन करना है और 17 mm से क्या करना है, ये इंडिकेटर लग जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, जो सीट है इसको पूरा ओपन करना होगा, साइड पैनल खोल लेंगे दोनों, उसके बाद 10 नंबर की से सीट को खोलना होगा, देन जो इंडिकेटर की वायर है उसका कनेक्शन पीछे करेंगे और फ्रंट वाला खोलने के लिए भी 10 नंबर की से फ्रंट वाइजर ओपन हो जाएगा, देन सीधा कनेक्शन करेंगे उसके बाद। तो सीट को ओपन कर लिया तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, जो पीछे के इंडिकेटर्स है वो लगा लेते हैं अपने। तो अब देख रहे हैं टेल रेडी काफ़ी बढ़िया लग रही है। अगर आप उनमें से किसी ने इसकी वीडियो नहीं देखी तो जाके वो देख सकते हैं। और अब इसको बिल्कुल सिंपल है कैसे लगाने, देखिए 17 mm की जो अपने की चाहिए सबसे पहले ऊपर वाले जो नट है इसको यूज़ करना है कुछ इस तरह से, ये देखिए। देन उसके बाद अपने को क्या करना है, इसको ऐसे निकालना है बाहर की तरफ। बाद अपने को क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, इसको इस तरह से लगाना है तो ये जाएगी वायर इसके अंदर से ऐसे, और इसको बाद में अपने ऊपर की तरफ खींच लेंगे और इसको कुछ ऐसे लगाना है, ये देखिए, और उसके बाद वापस इसको करना है टाइट कुछ इस तरह से। इसको टाइट करना है पहले हाथ से जितना हो सकता है उतना कर लीजिए, उसके बाद की हेल्प से पूरा टाइट कर दीजिए इसको। अब ये हो चुका है हाथ से जितना होना था, अब की से इसको पूरा टाइट करते हैं, फिर जो कनेक्शन है ऊपर की तरफ लेके आएंगे, सेम ऐसे ही आगे की तरफ लगेगा। तो ये दोनों मैं पहले लगा लेता हूँ, फिर दोनों की जो कनेक्शन है वो बता दूंगा और फिर फ्रंट में कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। दो इंडिकेटर पीछे की साइड के दोनों लगा लिए हैं और आप देख सकते हैं लुकिंग कैसे लग रही है, पूरा बिल्कुल टाइट कर दिया और इसके कनेक्शन ऊपर की तरफ मैं लेके आ चुका हूँ। ये देखिए यहाँ, ये देखिए ये रहे, नीचे से इसको ऊपर आ चुकी और वायर पूरी सफिशियंट है, एक्स्ट्रा वायर की कोई जरूरत नहीं अपने को पड़ेगी। और आप देख सकते हैं इसकी लुकिंग कैसे, ये देखिए, और ये इस तरफ का। अब इसके जो कनेक्शन है वो आपको बताता हूँ कैसे करने, फिर फ्रंट वाला खोल के उसको भी अपने लगा देंगे और फिर जो इनको चारों को देखेंगे कैसे वर्क करता है। उससे पहले अपने क्या करते हैं, लेफ्ट साइड के जो कनेक्शन उसको कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना हो, जो आप ये रेड वायर देख रहे हैं इस रेड वायर को अपने को, अगर आप जो ऑरेंज कलर का कपलर देख रहे हैं इसके अंदर इस रेड वायर को लगाना है ऐसे, ये देखिए, और ये हो चुका है। और ये जो ब्लैक वायर है ये लगानी है अपने को ग्रीन के अंदर। ग्रीन के अंदर दो पॉइंट दिए हुए हैं, आप दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं, और ये लगा दिया मैंने इसके अंदर एक और, ये देखिए। अपने को राइट वाले करना है, राइट वाले करने के लिए अपने को क्या करना है, आप ये जो देख रहे हैं ग्रीन, देखिए ग्रीन शॉकेट देख रहे हैं, इसके अंदर तो रेड वायर लग जाएगी और जो ग्रीन वायर की जो सेकंड वायर बचती है उसके अंदर ब्लैक लग जाएगी। ये देखिए ग्रीन के अंदर लगाया मैंने रेड को और जो एक ब्लैक बचता है ग्रीन के अंदर, जो ग्रीन के अंदर एक पॉइंट बचता है उसके अंदर इस ब्लैक को लगाना है, और ये भी इस तरह से हो चुका। सो जो इसकी डे की क्वालिटी वो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इंडिकेटर की कैसी है, देन फ्रंट के अपने कनेक्शन कर लेंगे, फिर पूरा जो नाइट का शॉट है वो एक साथ देखेंगे कैसे वर्क करता है। इंडिकेटर को ऑन करते हैं और दिखाता हूँ आपको इसकी क्वालिटी कैसी है। सो ये करते हैं लेफ्ट वाला ऑन सबसे पहले, तो आप देख सकते हैं डे के अंदर इसकी क्वालिटी कैसी है और राइट के अंदर आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। सो डिसेंट क्वालिटी है, इतना भी ज़्यादा ब्राइट नहीं है, इतना भी ऐसे नहीं है कि भी बिल्कुल लो है, डिसेंट क्वालिटी है। सीट वगैरह जो भी है अपने इसको पूरा फिक्स कर देते हैं और आगे का जो कनेक्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। सो जो फ्रंट वाइजर को ओपन करने के लिए अपने को 10 नंबर की चाहिए सिर्फ से, तो 10 नंबर की से फ्रंट वाइजर ओपन हो जाएगा। और हेडलाइट के इसके डूम को ओपन करने के लिए अपने को 12 नंबर की चाहिए। सो ये देखिए, ये वाला मैंने पहले से कर लिया है, वो वैसे ही पहले इसको हल्का सा यूज़ कर लेते हैं अपने कुछ ऐसे, ये देखिए। और अब लगाना कैसे, बिल्कुल सिंपल है, इस वायर को इसके अंदर से निकाल देंगे अपने कि मिडल में से, इसको ऐसे निकाल के नीचे की तरफ और
बाद में कर देंगे इसको ऐसे राइट। तो अपने को देखना है फ्रंट में कैसे रखना है, तो ऐसे रखेंगे इसको और आप देख सकते हैं फ्रंट के अंदर लुकिंग कैसे लग रही है। और बाद में क्या करना है, पीछे की तरफ से इसको यहाँ से टाइट करना है। तो ये दोनों में लगा लेता हूँ, उसका जो कनेक्शन है वो आपको मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है। सो देखिए इंडिकेटर मैंने फिक्स कर लिए हैं, किस तरह से लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि छोटी सी आंखें इसकी ऐसे लगेंगे अपने लुके के अंदर, आप देख सकते हैं। और जो इसका कनेक्शन है वो अपने कर लेते हैं। साथ ही साथ एक आपका जो क्वेश्चन हर बार रहता है उसका भी आंसर इसी वीडियो में दे देता हूँ। आप लोग बोलते हैं कि भाई जो अपने टेप करवाते हैं जो रेडियम मेट, जो काफ़ी सारे आप नेम लेते हो, जो मैंने करवाई हुई जो टेप करवाई हुई है, ठीक है, तो आप ये बोलते हैं भाई ये कब तक चलेगी। तो भाई इसका जो टाइम पीरियड होता है बहुत टाइम तक होता है, ये हमेशा चलती है जब तक कोई बंदा आके पंगे ना ले। पंगे सिंस आप देख सकते हैं किसी ने चाबी मारी है, किसी ने कुछ किया हुआ है, देखिए तो ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे होता है आपकी अगर लॉन्ग टर्म तक चलती है चीज़ें अगर आप केयर करें तो, क्योंकि सामने वाले अगर जलन होगी ना तो वो हालत ये करके जाते हैं। देखिए तो काफ़ी सी जगह ऐसे हो रखा है, आप सोच रहे हैं कुछ नया करवाने की, तो वो आगे देखूँ कभी वीडियो बनाऊँगा। बट आपको किसी जो कनेक्शन है वो बताता हूँ कैसे करने। सो जो हेडलाइट का डूम है उसको अपने ओपन कर लिया, 12 नंबर की केस से वो ईजिली हो जाएगा। और अब अपने को जो लेफ्ट साइड के इंडिकेटर उसमें कनेक्शन करना है, वही सेम जो पीछे के थे वैसे ही करना है। रेड वायर है इसको ऑरेंज के अंदर लगाना है, ये देखिए। और ये जो ग्रीन है उसको इस सॉकेट के अंदर लगाना है, कोई भी पॉइंट के ऊपर लगा सकते हैं आप। ये वाली रेड आइस ब्लू कलर के अंदर जाएगी, और ये जो ब्लैक है ये जाएगी अपने इसके अंदर। नाइट के अंदर अब जो इसकी इंडिकेटर्स की लाइट है वो देखते हैं अपने कैसी है। अभी मैं फुल डार्क एरिया के अंदर हूँ, और उसके बाद जो अपने इसकी जो रनिंग कंडीशन देखेंगे रोड के ऊपर लाइटिंग के अंदर। तो अभी लेफ्ट वाला उसको ऑन करते हैं अपने, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। और अब राइट वाला, सो अब इसको जूम आउट करते हैं, ये देखिए। सो अब आपको मैं पास इंडिकेटर दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से वर्क करेगा। और अब करते हैं लेफ्ट वाला, तो ये देखिए